हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास। इस चैनल में हम देखेंगे पीजी एंड नर्सरी क्लास के मैथ्स वर्क को अपने बच्चे को कैसे सिखाएं। प्ले ग्रुप के मैथ सब्जेक्ट में मेनली 1 to 5 काउंटिंग सिखाई जाती है। लिखने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता, वे बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा कितना जल्दी सीखता है। आइए एक सिक्वेंस में देखते हैं बच्चे को हम कैसे सिखाएं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को फिगर के जरिए नंबर को काउंट करना सिखाएं और उसकी पहचान करवाएं। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल। इसको एक बार हम फिर से काउंट करते हैं। 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5। हम बार बार इसे रिपीट करके बच्चे के दिमाग में से सेट करेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, और भी कई तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चे का काउंटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के द्वारा 1, अब आपको बच्चे को बताना है 1 आइसक्रीम है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में आइसक्रीम कहाँ पे है इसको मैच कराना। लाइक दिस, सेकेंड 1 2, 2 स्टार है तो 2 स्टार कहाँ है इसमें, आप 2 स्टार। 1 2 3, 3 फ्लावर तो इसमें कहाँ है। देन 1 2 3 4, 4 बॉल, बॉल को बॉल से मैच कराइए। 1 2 3 4 5, 5 स्माइली, 1 2 3 4 5, देन ये। ओके, थर्ड वर्कशीट में देखिए एग्जांपल, मैच द पिक्चर विथ नंबर। ओके, तो इसमें करना क्या, फिगर को काउंट करके नंबर से मैच करवाना है। ओके, 1, तो इसमें 1 कहाँ है बच्चे को बोलिए। ओके, 1 2, 2 कहाँ पे है। 1 2 3, 3 कहाँ पे है इसे मैच करवाइए। 1 2 3 4, 4 नंबर से मैच करवाइए। 1 2 3 4 5, 5 से मैच करवाइए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, सर्कल द नंबर। ओके, 2 3, आपको इसमें क्या करवाना है, 2 को सर्कल करवाना है। जहाँ जहाँ 2 है सर्कल करें। 2 2 2 2, अगेन एंड 3 3 3 3 3 3। ये भी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा एग्जांपल है आपके बच्चे के लिए। ओके, इतनी प्रैक्टिस के बाद आपका बच्चा नंबर आइडेंटिफाई करने लगेगा, तो उसको इस प्रकार के एग्जांपल करवाइए। जैसे 1 2 3 4 5, अब इसको यहाँ पे इस नंबर को ढूंढकर उसे मैच करवाना है। 1 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, एंड लास्ट 5। ओके, कलर करना हर बच्चे को पसंद है, इसलिए आपको बीच बीच में इसकी भी एक्टिविटी कराते रहना है ताकि बच्चे का मन लगा रहे। कनेक्ट द नंबर एंड कलर इट। ओके, सबसे पहले आपको नंबर को ज्वाइन करना है। लाइक 1 2 3 4
एंड 5, ये सब अपने बच्चे से करवाना है। ओके, इसके बाद आपको बच्चे को कलर देना है इसे कलर करने के लिए। ओके, इन सब एक्टिविटी के साथ अब हम अपने बच्चे को 1-2 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। देखते हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रेस करना सिखाया था लाइन को, तो देखते हैं कैसे बनता है 1। तो पहले आपको बच्चे को ट्रेस करना सिखाना है, इन बिंदुओं को ज्वाइन करना है ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। थोड़े ट्रेस करने के बाद फिर आपको 2 डॉट दीजिए बच्चे को ऐसे, तो ये डॉट आपका बच्चा ऐसे मिलाएगा। ओके, 1, सेम ऐसे 2 को भी ट्रेस करें, 2, 2, 2। अब इसे डॉट के जरिए देखिए, मैंने अभी कर्व बताया था आपको, सेम वैसे ही पैटर्न पे है ये 2, 2, 2। ओके, 3 कैसे बनेगा इसको भी ट्रेस करना पहले सिखाइए, 3, 3, 3। अब डॉट के जरिए 3, 3, 3 एंड 4, इसको भी पहले ट्रेस करिए, 4, 4, 4 एंड डॉट्स 4, 4, 4। 5 को भी ट्रेस करें ऐसे, 슬리핑 라인, 스탠딩 라인, 덴 커브, 슬리핑, 스탠딩, 덴 커브, 이 होगया आपका 5। तो ऐसे आपको अपने बच्चे को घर पे प्रैक्टिस कराते रहना है। अगर आपका बच्चा 1-2 अच्छे से आइडेंटिफाई करने लगा है, तो हम इसे ऐसे एग्जांपल के जरिए दे सकते हैं वर्क, काउंट पिक्चर, राइट द नंबर। ओके, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, राइट मिसिंग नंबर। ओके, 1, देन 2, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4, देन 4 के बाद क्या आएगा, 5। ये सारी एक्टिविटी आपको बच्चे को कराते रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और जिसको भी इसकी ज़रूरत हो आपके फैमिली में, फ्रेंड में, उनको शेयर करें। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।